तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी अच्छे हैं। और आज हम जा रहे हैं नए मुरादाबाद, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। तो वहाँ पे उनका टेंट लग रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का टेंट कैसा लग रहा है और कैसी कैसी सजावट हो रही है, मतलब कैसे तैयार हो रही है, वो सब दिखाऊंगा। तो आप भी चलो। तो गाइस, अभी मैं पहले जा रहा हूँ मंदिर मंदिर जाऊंगा, वहाँ पे अभी सजावट करनी है शिव जी की, फिर शिवालय की सजावट करने के बाद मैं और भैया दोनों जाएंगे फिर ग्राउंड पर, जहां पर टेंट लग रहा है गुरु जी का। ओके, अब अब आ गए मंदिर। जय श्री राधे। यहाँ पे कट रहे हैं फूल फूल ऐसे कटेंगे, फिर बाद में अंदर सजाए जाएंगे। कुछ फूल इधर मैंने काट दिए, उधर भैया और अंकल जी काट रहे हैं। देख कितने सारे फूल हैं, अभी और कटेंगे। अब काट रहे हैं ऑरेंज वाले फूल। ये रहे हमारे पैर, बाबा का श्रृंगार देखो। कितने प्यारे लग रहे हैं बाबा। अब साइड में बनाया जाएगा डिजाइन। इसके अंदर रखा है सारा सामान। ये स्माइली, नीचे हार्ट रखे हैं। तू अपने ब्लॉग्स में बता रहा है, लोग आके वैसे चोरियां करते रहते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं करने का। यहाँ पे हमें ना कुछ लोग कैमरे लग रहे हैं, यहाँ पे सब पकड़े जाएंगे। हर प्रकार के लोग होते हैं, जब लोग मंदिर में चोरी कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। ये भी सही बात है भाई, चप्पल बहुत चोरी होती है। ये लो, यहाँ पे डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया। इधर अब हम भी बनाते हैं। यहाँ बाहर देखो कितनी शांति है, सब खाली खाली, क्योंकि सबके सब है। हमारे प्यारे बाबा सच चुके हैं। देखिए बाबा कितने सुंदर सजे, बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर सजे। प्रसाद भी मिल गया और बाबा का श्रृंगार भी हो गया। हाँ, वही वही। मैंने बाहर से बहुत बहुत बार स्कूटी निकाली है, अब जा रहे हैं सीधे वहां पर जहां पे बागेश्वर धाम सरकार का टेंट लगेगा। यहाँ पे आए थे योगी जी, आज के दिन योगी जी भी आए थे तो यहाँ पे उनका टेंट लगा था, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा टेंट लगा है हमारे गुरु जी का, बागेश्वर धाम सरकार का। जा रहे हैं उनके पास। हम इधर के रास्ते से आ रहे हैं ताकि पुलिस से बच सके, हेलमेट नहीं लगा रखा ना। हाँ, रॉन्ग साइड ले लो। इधर ये आ गया हाईवे पे और पीछे उधर चौराहे पे रह गई पुलिस। मिल गया हमें, यहाँ पे आएंगे गुरु जी। हाँ, इधर से एंट्री लग रही है, वो आएंगे। ये लग रही टेंट, 3 टेंट है बहुत बड़े बड़े आसपास में लोग। ये देखो
ये लग रहा टेंट, मेन टेंट ये वाला है शायद, है ना? हाँ, क्योंकि ये बड़ा टेंट है। अरे हाँ, देख स्टेज है ना, स्टेज है वहाँ पे, और वहीं पे चल रहे हैं। गाड़ी पार्क कर दो, छाऊँ मैं कर दूँ। तो इधर आएंगे हमारे गुरु जी, वहाँ पर लग रहा है टेंट, वहाँ पर स्टेज लगेगी। स्टेज की तरफ भी अभी आपको दिखाते हैं, लकड़ी के तख्त लग रहे हैं और उधर स्टेज लग रहा है। स्टेज की तरफ लेके चलते हैं, ये देखो ऊपर से कैसे। और ये मेन वाला पंडाल है, और एक टेंट उधर लग रहा है और एक उधर लगेगा, वो लग रहा है देखो वहाँ पे। यह है मेन स्टेज, सब आ ये देखो, इधर स्टेज लगेगा, यहाँ पर वो बैठेंगे। स्टेज सज रहा है, 3 दिन की हनुमंत कथा होगी और बहुत बड़ा स्टेज लग रहा है, और पंडाल बहुत लंबा है। तो इधर होगी कथा, अगर एंट्री मिल गई ना उस टाइम पे तो यहीं पे बैठेंगे आके, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है। मजा आ गया तो चाहते यार। हाँ लेकिन मेन तो यहाँ पर है, यहाँ पर आना मुश्किल है। यहाँ पर आना मुश्किल है, यहाँ पे अगर बैठना है ना तो कम से कम मतलब कल की शाम को आना चाहिए। अगर पास हो तो हम आ सकते हैं कभी भी, लेकिन हाँ पास बनवाना पड़ेगा यार किसी से। बात करते हैं, ये सारी दरी वरी आ रही है यहाँ पर। ऊपर देखो चेयर भी रखी है जहाँ पे गुरुजी बैठेंगे, और ये लोग यहाँ पे हेड हैं जो ये कथा करवा रहे हैं, यहाँ का इंतज़ाम करवा रहे हैं। एक खुशी की बात बताएं, मैं और भैया हम दोनों का अब पास बन जाएगा। हमने बात करी और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर जहाँ पे हम सेवा करते हैं तो उनकी तरफ से अब और हो चुका है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये सामने है महाकालेश्वर मंदिर, और अब हम जा रहे हैं साइबर कैफे पे। साइबर कैफे पे जाके फिर अपनी फोटो निकलवाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम दोबारा उनके पास में और वो हमारे आईडी कार्ड बनाएंगे। इधर हमने फोटो करवा लिए, जब फोटो भी निकल गए और आधार कार्ड भी निकल गया। अब यहाँ पे पी रहे हैं मैं और भैया गन्ने का जूस, हमारे पास भी बन गया अब। अब सब हो गया, श्रृंगार भी हट गया, अब यहाँ पे झाड़ू लग रही है, साफ सफाई हो रही है। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ घर पर, और अब बताता हूँ सारी बात क्या हुई थी। हम गए थे वहाँ पे टेंट देखने के, टेंट कहाँ पे लग रहा है। अब जब वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे हमने बात करी, फिर उन लोगों से बात करी, पूछ रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ पे मतलब लगना है, कैसे कैसे अपना आईडी कार्ड बनवाना है और पास बनवाना है। तो वहाँ पे हमारे एक जानने वाले अंकल निकल आए, क्योंकि हम मंदिर में सेवा करते रहते हैं तो वो भी यहाँ पे आते रहते हैं सेवा करने, और वो बहुत बड़े आदमी हैं, पॉलिटिक्स में उनका अच्छा खासा हाथ है। तो उन्होंने हमको देखा, हमने उनसे बात करी कि अंकल जी पास बनवाना है, तो उन्होंने बजरंग दल के जो हेड थे वो भी आए हुए थे, तो उनको बुलाया, उनसे कहा कि ये दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत सेवा करते हैं, मैं और अक्ष भैया। तो फिर उनसे कहा तो वो अंकल हमसे कहने लग गए कि अपने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो, और अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना नंबर हमको देना था उन्हें, वो सब प्रिंट करवा के फिर हम गए। वो सब आपने देख लिया होगा वीडियो में, तो ये सब काम हुआ था। फिर देन जब हमने उनको प्रिंट दे दिया, तब वो हमसे कह रहे थे कि थोड़ी देर में वो हमको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और अब कल पहुंचना है कलश यात्रा में, कल हमको आईडी कार्ड भी मिल जाएंगे। मैं खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत खुश है हम आज, इतनी खुशी। खुशी की बात बताएं, मेरा और भैया का दोनों का यहाँ पे अब पास बनने के लिए, अबे क्या बोलूं।